हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के वो सारे क्वेश्चन जो अब तक बीपीएससी प्री में आ चुके हैं और काफ़ी डिटेल में देखेंगे, जो कि आने वाले 69 बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? यहाँ पे मैं ऑप्शन ही पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो जो हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, इसे तीन पार्ट में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, धातु, अधातु और उपधातु में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गैस। और जो गैस है उसे रखा गया है नॉन मेटल की कैटेगरी में, अधातुओं की श्रेणी में। जैसे आपका हाइड्रोजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, बोरोन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, इसे कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो इसे रखा गया है अधातु की श्रेणी में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गैस। अच्छा, टोटल एलिमेंट कितने हैं पीरियोडिक टेबल में? तो करंट में 118 है। पहला है आपका हाइड्रोजन, पहला आपका हाइड्रोजन है। आपको बताना है कि जो आखिरी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 118 है, उसका क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनी लेओजियर को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो एक फॉर्मूला होता है, इसे याद रख लो आप, एटॉमिक मास इक्वल टू, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है इन न्यूट्रल एटम। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने के बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है कि एटॉमिक मास इक्वल टू एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है, एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर न्यूट्रल एटम में। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आप आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है? द्रव्यमान संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 18 है, न्यूट्रॉन की संख्या 20 है। तो अभी मैंने क्या बताया, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 18 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 38। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 38। या आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि द्रव्यमान संख्या दिया होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया होगा, आपसे पूछ लेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा या नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला सिंपल सा यूज करना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो अभी मैंने क्या बताया था, एटॉमिक मास इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही बताया था। अब देखो यहाँ पे एटॉमिक मास क्या है, 242 है, इक्वल टू एटॉमिक नंबर कितना है, 94 है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, 242 माइनस 94। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 148 आएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, 242 माइनस 94 कितना हो जाएगा, 148। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फैराडे स्थिरांक, जो फैराडे कांस्टेंट है क्या होता है? तो जो फैराडे कांस्टेंट होता है ना, ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अब कुछ फैराडे लॉ के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि मान लो यहाँ पे कोई आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ पे दो रॉड है, एक है आपका एनोड है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये आपका है एनोड, और एक यहाँ पे लगा हुआ है,
एक यहाँ पे लगा हुआ है कैथोड, और कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है, कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है, इसको बोलते हैं कैथोड। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड Na प्लस Cl माइनस। अब इसमें क्या होता है कि हमने इसे क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, हमने क्या किया, एक बैटरी से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जो कटायन है, सोडियम आयन बोलते हैं जिसे, Na प्लस कटायन यहाँ पे क्या है, Na प्लस Cl माइनस में कटायन क्या है, Na प्लस है, सोडियम आयन है। तो जब हम लोग इसमें चार्ज फ्लो करवाएंगे या इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तो क्या होगा, जो कटायन है सोडियम प्लस है, ये कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, जमने लगेगा इस पे, ठीक है, यहाँ पे बैठने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा। तो जो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जो अमाउंट डिपॉजिट होगा कटायन का Na प्लस का, वो चार्ज के समानुपाती होता है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसके समानुपाती होता है। मान लो कि मास एम डिपॉजिट कर रहा है इस पे, तो जो मास एम होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, जो चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू के बराबर। अच्छा, क्यू को ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी, फॉर्मूला होता है ना, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, आई टी। तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई टी। और जब हम लोग इसे इसका प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट लगता है ना, प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट बोलते हैं, तो वहीं पर लिखते हैं एम इक्वल टू जेड आई टी। तो ये जो जेड है ना, यही आपका क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे स्थिरांक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही, सॉरी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सार्वभौमिक स्थिरांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब यहाँ से और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि एम इक्वल टू जेड आई टी, कौन सा फॉर्मूला है, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, दो लॉ होता है, तो फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, तो फॉर्मूला आपको याद है, एम इक्वल टू जेड आई टी। अब आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि 2 एम्पियर का करंट 2 सेकेंड तक फ्लो करवाया गया, ठीक है, तो मास एम डिपॉजिट हुआ, अगर 4 एम्पियर करंट फ्लो करवाते 2 सेकेंड के लिए ही, तो कितना मास डिपॉजिट होता, ठीक है, 4 एम्पियर का करंट फ्लो करवाते तो कितना मास डिपॉजिट होता, तो कैसे सॉल्व करेंगे, m इक्वल टू जेड आई टी होता है ना, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 इक्वल टू, ये जेड तो कॉन्स्टेंट है तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है, तो i1 t समय इक्वल है, i2 t भी कैंसिल हो जाएगा, समय इक्वल है। अब देखो क्या बोल रहा है, पहले कितना एम्पियर करंट फ्लो करवाते थे 2 एम्पियर, अब कितना करवा रहा है 4 एम्पियर, तो ये क्या हो जाएगा, M1 बाई M2 इक्वल टू 2 अपॉन 4, 2 2 जा 4, तो M2 कितना आ जाएगा 2M1, मतलब अब डबल मास क्या होगा, डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका pH मान 7 है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका जो प्योर वाटर होता है ना, इसका भी मान क्या होता है आपका 7 ही होता है, तो ये भी सही होगा। और जो न्यूट्रल होता है ना, जो उदासीन बिलियन होता है, इसका भी मान क्या होता है 7 होता है, तो ई और बी आपका दोनों सही होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पानी का पीएच मान है, तो पानी का पीएच मान है, मान के चल रहे हैं कि प्योर वाटर है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, तो एच प्लस आयन की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग क्या जानते हैं, पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस होता है, बेस 10 होता है। अब देखो, तो एच प्लस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इधर आप माइनस भेज दो, ठीक है, माइनस इधर भेज दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, log H प्लस इक्वल टू माइनस pH, तो यहाँ से H प्लस कितना हो जाएगा 10 to the power minus pH, ठीक है, 10 to the power minus pH, ये log का कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्या बोल रहा है, पहले pH कितना था, 3 था, बाद में कितना चेंज हो रहा है, 6 हो जा रहा है, तो मतलब पहले में मान लो कि H1 प्लस 1 मान लो यहाँ पे डिवाइडेड अपॉन H2, यहाँ पे सेकेंड वाले केस में H2 प्लस मान लो इक्वल टू, पहले वाले केस में पीएच कितना था, 3 था, तो 10 टू द पावर माइनस 3,
सेकेंड वाले केस में पीएच 6 हो जा रहा है तो 10^-6 इसे सॉल्व करोगे आप कितना आएगा, तो कैंसिल करने पे आ जाएगा 10^-3। तो मैं यहाँ इसे हटा के लिख दे रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट ही, कितना था 10^-3, 10^3 आएगा, सॉरी 10^3 आएगा आपका। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, H2+ की वैल्यू निकालनी है ना, कि कितना चेंज हो रहा है। तो H2+ कितना हो जाएगा, H2+ हो जाएगा आपका 1/1000 × H1+। H1+ मतलब क्या हुआ, 1000 गुना कम हो रहा है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1000 गुना कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कितना आ रहा है, H2+ आपका आ रहा है 1/1000 × H1+, इसका मतलब क्या हुआ, 1000 गुना कम हो रहा है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा लॉग का मतलब क्या होता है, देखो लॉग में क्या होता है ना, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि लॉग 100 की वैल्यू क्या होगी, तो बेस यहाँ पे 10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 को कितने पावर से इंक्रीज करे कि आपका 100 हो जाए। तो 10² जब करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब जैसे मैं आपसे पूछ दूँ लॉग base 2 है, ठीक है, base 2 है और 8 यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो इस बेस को कितने पावर से इंक्रीज करे कि 8 हो जाएगा, तो 2^3 8 हो गया ना, मतलब 3 से इंक्रीज करना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही लॉग का कॉन्सेप्ट होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रेड लिक्विड होता है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें है, तो वेल्डिंग में क्या यूज होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, किसकी होती है, तो जिंक की होती है, जस्ते की होती है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सल्फोनेट यूज होता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है कौन सा, सल्फोनेट यूज होता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन, बाकी ऑप्शन नहीं लिया मैंने, यहाँ पे जगह नहीं था, तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मानव पसीने के माध्यम से क्या क्या उत्सर्जित होता है, तो पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या क्या उत्सर्जित होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो जो क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रोल क्या होता है, ब्लू विट्रोल आपका होता है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट कहाँ पे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 5H2O। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूँ कि ग्रीन विट्रोल क्या होता है, ग्रीन विट्रोल तो ये आपका होता है फेरस सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe4SO7H2O, ये तो ग्रीन का हो गया। अगर मैं आपसे पूछूँ कि जो वाइट सफ़ेद थोथा, वाइट विट्रोल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता है जिंक सल्फेट, फॉर्मूला होता है जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O, तो ये तीनों आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो प्लेटिनम, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसका है, तो जो स्टेनलेस स्टील होता है ये आपका कार्बन भी होता है, निकेल भी होता है, क्रोमियम भी होता है, ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, कार्बन भी होता है, निकेल भी होता है, क्रोमियम भी होता है, लोहा भी होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी बोलते हैं का प्रयोग होता है। तो पीओपी क्या होता है बेसिकली, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे जिप्सम होता है ना, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिप्सम होता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, क्या होता है, जिप्सम होता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है पीओपी का, CaSO4 हाफ H2O, यही होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाता है? तो जब डबल बॉन्ड जुड़ा होता है तो क्या बोलते हैं, अल्केन होता है, अल्कीन होता है, अल्काइन होता है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में आपका डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एल्कीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिरके का रासायनिक नाम है, तो एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल बोलते हैं जिसका IUPAC नेम होता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसे कैसे लिखते हैं, CH3 सी डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, एसिडिक एसिड का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो कौन सा यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, H2SO4, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, तो CO2 निकलता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिनरल क्या है, तो एक इनऑर्गेनिक सॉलिड है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अकार्बनिक ठोस। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, तो उसमें यूज हुआ था प्लूटोनियम, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, और इसका नाम था, बम का नाम क्या था, फैटमैन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो सही आंसर होगा नेचुरल एलिमेंट में, ऑप्शन सी अपाकृत तत्व, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो जो गिवन ऑप्शन है इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा है, पोटेशियम के बाद है सोडियम, इनमें से डिनोट करते हैं, सोडियम के बाद है कैल्शियम, और यहाँ पे सबसे लास्ट में आयरन होगा, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आयरन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो सही आंसर हाइड्रोजन होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आयोडीकृत लवण में रहता है, तो सही आंसर क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड, इसे लिखते KI से, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खाने का नमक किससे बनता है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में बार बार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, तो कार्बन होता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किस में, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, केरोसिन में, ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो उसमें हम लोग ब्यूटेन यूज करते हैं, ठीक है, सिगरेट लाइटर में, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ब्यूटेन को कैसे लिखते हैं, तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट, CnH2n+2 एल्केन ग्रुप का है ना ब्यूटेन, एल्केन, तो एन की वैल्यू 4 पुट कर दो, तो C4H10, ये आपका क्या होता है, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए आइसोप्रीन का, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टेट्राफ्लोरो एथिलीन का। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से
किस एकलक का बहुलक है? तो टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो सही आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो फेनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, फैट होता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वसा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या लगा क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है, तो इसमें मुख्यतः क्या होता है आपका, होता है प्रोपेन भी होता है और ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन होता है ब्यूटेन होता है, तो बी और डी दो तो ऐसे ही सही है, तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इसमें गैस मिलाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, जो गैस मिलाया जाता है उसका नाम क्या होता है, मरकैप्टन, मरकैप्टन, ठीक है। पूरा नाम होता है इथाइल मरकैप्टन, ठीक है, इथाइल मरकैप्टन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H6S, या ऐसे भी लिखते हैं CH3CH2SH, इसे क्या बोलते हैं, इथाइल मरकैप्टन, ठीक है। तो पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो सही आंसर यहां पे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है, तो आपका क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है आपका, मीथेन भी होता है, ओजोन भी होता है, तो ऑप्शन डी आपका यहां पे सही आंसर होगा। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जोसेफ फूरियर ने, तो ये नाम आपको याद रखना है, जोसेफ फूरियर। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं डिटेल में, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले, जो ग्रीन हाउस गैस जो हमारे पृथ्वी के वातावरण में विद्यमान है, ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, कौन से गैस है, CO2 हो गया आपका, मिथेन हो गया, N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, CFC हो गया, और वाटर वेपर, ठीक है। तो ये ऐसे ग्रीन हाउस गैसेज है जो प्रेजेंट है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जिसका नाम है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इन्होंने 6 मेजर ग्रीन हाउस गैसेस आइडेंटिफाइड किए हैं जिनका संबंध डायरेक्टली आपका ग्रीन हाउस गैसे है, ठीक है। जैसे आपका CO2 हुआ, मिथेन हुआ, N2O हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड हुआ, CFC हुआ, SF6 हुआ और NF6 हुआ। ये ऐसे गैस है ना, 6 ऐसे गैस है जिनका डायरेक्ट संबंध है किसे, ग्रीन हाउस गैस से। इसके अलावा आपको और दो पॉइंट याद रखना है, एक होता है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, ठीक है, आपसे पूछता है, एक होता है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, ये आपका कौन सा होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ, सल्फर ऑक्साइड हुआ, ये सब क्या है, प्राइमरी है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। और सेकेंडरी क्या है, तो सेकेंडरी में बस एक चीज़ याद रखो, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट होते हैं, इसमें ओजोन याद रखना है आपको, ओजोन क्या होता है, हमेशा पूछता है एग्जाम में, ओजोन क्या है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है या सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, तो आंसर क्या होगा, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, कौन सा, ओजोन। ओजोन के अलावा आपका एरोसोल भी होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो देखो जहाँ भी अधूरा जलना होता है ना, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, साबुन ग्रीज को हटाता है किसके द्वारा, तो सही आंसर क्या होगा,
पायसीकरण द्वारा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, सूची वन को सूची टू से मिलान करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, एस्पार्टम एस्पार्टम इसका उपयोग किसमें होता है, तो जो एस्पार्टम है इसका उपयोग होता है कृत्रिम मधुरक के लिए, तो ऑप्शन ए का आपका थ्री हो जाएगा, ठीक है। बस मैच करते चलना है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा यहाँ पे, बस आपको मैच करते चलना है। फेरॉन, फेरॉन क्या होता है, फेरॉन आपका होता है कूलेंट के रूप में इसका यूज होता है, प्रसिता के रूप में, तो बी का तो फोर पहले नोट कर लो यहाँ पे, बी का आपका क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ठीक है। फेरॉन क्या होता है, CCl2F2, इसको कैसे पढ़ते हैं, डाइक्लोरोमीथेन, CCl2F2, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन कूलेंट के यूज में यूज होता है, कूलेंट के रूप में यूज होता है प्रसिता के रूप में, तो बी का आपका फोर हो जाएगा। सी क्या है, नियोप्रीन, नियोप्रीन क्या होता है, एक सिंथेटिक रबर होता है, संश्लेषित रबर होता है, तो सी का आपका हो जाएगा पहला, सी का आपका हो जाएगा पहला। नियोप्रीन बेसिकली क्या होता है, पॉली क्लोरोप्रीन होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नियोप्रीन क्या होता है, पॉली क्लोरोप्रीन, ठीक है। इसे कैसे लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CCH CH2, और यहाँ पे क्लोरीन से जुड़ा होता है, यहाँ पे क्लोरीन से जुड़ा होता है, ये क्या होता है आपका, क्लोरोप्रीन होता है, ठीक है, क्लोरोप्रीन होता है। तो नियोप्रीन क्या होता है, पॉलीक्लोरोप्रीन होता है, याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CCH, क्लोरीन जुड़ा होता है CH CH2, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली क्या होता है, संश्लेषित रबर होता है, सिंथेटिक रबर होता है, तो सी का पहला हो जाएगा। बेनाड्रिल क्या होता है, तो बेनाडिल बेसिकली क्या होता है, एंटी हिस्टेमाइन होता है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रति हिस्टेमिन, तो डी का आपका हो जाएगा दूसरा। और बेनाड्रिल का फॉर्मूला क्या होता है, C17H21NO, ये किसका फॉर्मूला होता है, बेनाड्रिल का, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो देखो ए का आपका हो गया कौन सा, तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी H2SO4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अम्ल वर्षा होती है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो देखो कारखानों से भी होती है, पेट्रोल कोयला जलाने से भी, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक होगा। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ना, इसके उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है, तो आपका कारखानों से भी सही है, पेट्रोल से भी सही है, ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होता है, तो एक से अधिक सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉलिड बर्फ क्या होता है, सॉलिड आइस, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो सही आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि तीनों कार्बन के अपरूप है, हीरा भी, ग्रेफाइट भी, कोयला भी, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से सबसे सख्त हार्ड कौन है, तो हीरा सबसे हार्ड होता है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए डायमंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुएं के परिरक्षण प्रयोग होता है, तो सोडियम बेंजोएट, यही होता है सर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पारद धातु मिश्रण, पारद का मतलब क्या हुआ, मरकरी होता है, मरकरी के एटॉमिक नंबर सर कितना होता है, आपको कमेंट में बताना है, 80 होता है सर, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो मिथेन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है, तो ये आपका होता है मरकरी, ठीक है, मेटल होता है लेकिन क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो देखो जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए या वेपर में चेंज हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, उसे क्या बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सब्लिमेशन होता है ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो जब भी हम लोग सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं ना, तो इसमें हीट क्या होता है एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, मतलब क्या है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो याद रखना है कि जो सब्लिमेशन है ये क्या है एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस है, तो आंसर क्या होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर यही उल्टा होता तो गैस से सॉलिड, तो फिर आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता, फिर क्या होता एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगा उस केस में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा वो आपका होता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और छोटा कर लूँ मैं, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या है, नींबू खट्टा किसके कारण होता है, तो सही आंसर क्या होगा साइट्रिक एसिड के कारण, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है, तो सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे वाहन से कौन कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, ठीक है, ये भी सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, आपका क्या बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकल सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सब निकलते हैं, तो यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ई ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो सही आंसर क्या होगा कार्बन की मात्रा, जितना ज़्यादा कार्बन रहेगा उतना ज़्यादा कठोर रहेगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा पिच ब्लेंड, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फेमस क्वेश्चन है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो उसमें क्या होता है क्लोरीन होता है, क्लोरीन के कारण, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है पानी, ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा पानी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, रिएक्शन क्या होगा 2H2+O2 2H2O। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सोने को घोला जा सकता है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो एक एक्वाडेजिया घोल होता है जिसमें आपका जो नाइट्रिक एसिड होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1:3 की रेशियो में 1:3 के रेशियो में होता है, उसमें सोने को घोला जा सकता है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, जिसमें एक नाइट्रिक और नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड होता है और HCl होता है, कितने के रेशियो में 1:3 के रेशियो में, जिसे क्या बोलते हैं एक्वाडेजिया बोलते हैं, इसमें आपका गोल्ड घोला जा सकता है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, तो कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से इसलिए नहीं रखा जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु क्या है, तो कॉपर होता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, और इसे पटीना कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, तो एस्टर होता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि, तो सही आंसर क्या होगा, ये LPG द्वारा चोक हो जाते हैं, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। LPG को क्या किया जाता है कि अत्यधिक दाब पर हाई प्रेशर पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत लिक्विफाइड किया जाता है, ठीक है,
तो जिसकी वजह से जब हम लोग लगाएंगे ना प्रेशर मेजर करने वाला तो चोक हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पीच प्लांट से तो यूरेनियम निकालते हैं, सॉरी रेडियम, रेडियम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि विरंजक चूर्ण क्या है, ये आपका होता है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है CaOCl2। तो यहाँ पे सही आंसर होगा, कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जल में अधिक विलय होता है, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जस्ते से एक आयतन भाग को दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है, पीतल का घनत्व तो क्या होगा? क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, देखो जस्ते से एक आयतन भाग जिसका डेंसिटी कितना है 7100 किलोग्राम क्यूबिक मीटर को दो आयतन भाग, ये एक तांबा है जिसका डेंसिटी है 8900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर से मिलाने पर पीतल बनता है, तो पीतल का घनत्व तो क्या होगा? तो तीन पीतल में क्या है, एक भाग जस्ता है और दो भाग क्या है तांबा है, तीन पीतल में एक भाग आपका क्या है जस्ता है, जिंक है, एक भाग आपका जिंक है और दो भाग आपका क्या है जस्ता है। तो बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये क्या है एक भाग आपका जस्ता है, मतलब जस्ता का वैल्यू क्या है 7100 है ना, 7100, और उसमें क्या है दो भाग तांबा कॉपर जो है तो 2 × कॉपर का डेंसिटी कितना है 8900, वैल्यू पुट करो तो एक भाग पीतल कितना होगा, तो इधर तीन से जब डिवाइड करोगे आप तो सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 8300 किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, तो इसमें बर्तन को जो ऋण ध्रुव मानते हैं और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है पॉजिटिव, ठीक है पॉजिटिव प्लेट, और बर्तन को निगेटिव बना दिया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील में होता है आयरन क्रोमियम मैग्नीज कार्बन, ठीक है, और सबसे ज़्यादा आयरन होता है कितना 89. आयरन कितना होता है 89.4%, क्रोमियम कितना होता है 10%, आपका मैग्नीज होता है कितना, मैग्नीज होता है 0.35%, कार्बन होता है 0.25%, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो अभी बताया था मैंने लोहा और क्रोमियम का, कॉपर तो होता नहीं है, देखो कॉपर तो होता नहीं है, जिंक यूज नहीं करते, ग्रेफाइट नहीं करते, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो किसमें होता है बीटा रे में, तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं कौन सी रे, अल्फा रे निकलता है, बीटा और गामा निकलता है, तो अल्फा तो पॉजिटिव होता है, बीटा निगेटिव होता है, गामा पे ये आपका न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पे सही आंसर पूछ किया रहा है किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो बीटा रे में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन धातु तत्व के लिए होता है, तो देखो 28 ऑक्टेट भरा है ना, तो ये तो अक्रिय गैस का है, ठीक है, जैसे अक्रिय गैस में वो भी कौन सा नियोन का है, तो ये तो होगा नहीं, जिसमें फाइनल में ऑक्टेट भरा हुआ है तो होगा नहीं, तो लास्ट में 8 कंप्लीट है, तो ये और सी तो किसी हालत में नहीं होगा। 287 ये आपका होता है हैलोजन ग्रुप का, और हैलोजन में किसका है 287 की एक आपका है क्लोरीन का, तो मेटल कौन सा होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2882 ये आपका मेटल का है, ठीक है, तभी तो मेटल क्या होता है रिएक्टिव होता है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, CO समूह का आबंध क्रम क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, अब देखो यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताऊँगा, ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ का बॉन्ड ऑर्डर आप आसानी से निकाल सकते हो, तो सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर बताता क्या है, स्टेबिलिटी बताता है, ठीक है, किसी भी बॉन्ड का स्टेबिलिटी बताता है, जैसे हाइड्रोजन में पूछूँ कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो हाइड्रोजन ऐसे जुड़ता है ना, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, आबंध क्रम 2 हो गया। तो एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आप आसानी से निकाल सकते हो किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है,
अब देखो बस आपको नोट कैसे करना है, मैं थोड़ी सा बड़ा कर लूँ। आप ऐसे लिख लो 10 से 18 तक, छोटा छोटा लिखूँगा मैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ याद रखना है आपको, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 या 3 से छोटा ही होगा, 3 से बड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा नहीं होता। कभी आपने कहीं देखा है कि 4 बॉन्ड है? नहीं ना, मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर जो होगा मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 3 हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने नोट कर लिया 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब स्टार्ट करो ऐसे 1, अब 0.5 बढ़ाते जाओ, 1.5, 2.0, 2.5, 3, 14 पे क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 से ज़्यादा नहीं होगा बॉन्ड ऑर्डर। अब फिर 0.5 घटाते जाओ तो फिर 2.5, 2.0, 1.5, 1, ठीक है। अब ये जो मैंने डाटा लिखवाया आपसे, ये टेबल क्यों दिया है मैंने यहाँ पे, अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रोजन का N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं ना, तो 2 नाइट्रोजन में कितने होंगे, 14 होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। एक तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ बॉन्ड ऑर्डर है। तो N2 में एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 में 14, तो 14 में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। जैसे ऑक्सीजन का हो गया O2, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन है 16 इलेक्ट्रॉन, 16 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 16 का मतलब 2 है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, CO समूह का अबंध क्रम क्या है, तो कार्बन का क्या होता है, 6 होता है, कार्बन का क्या होता है, 6 होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है ना, कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 6, ऑक्सीजन में 8, तो 6 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 प्लस 8 14। अब देखो 14 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है ना, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। बात समझ में आ रही है, तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ लो कितना है, बस इसे मैच करवा लो आपकी, कहाँ याद करना भी आसान है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 14 आ रहा था ना, 6 प्लस 8 14 कितना है, 3 है ना बॉन्ड ऑर्डर, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और 3.5 तो ऐसे भी काट सकते हो, क्योंकि 3 से ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, मास नंबर पूछ रहा है। मैंने क्या बताया था, मास नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, तो सही आंसर क्या होगा, अष्टफलकीय होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल का आकार कैसा होता है, अष्टफलकीय, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक तत्व एक्स की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो 4 है तो सिंपल सा है, XH4 होगा, ठीक है। अगर 5 होता तो XH5 होता, 2 होता तो XH2 होता, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, XH4, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जान ले। देखो अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो मतलब क्या हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड है। अगर यही डबल बॉन्ड होता तो इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। यहीं पर ट्रिपल होता तो एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ऊपर और नीचे का क्या होता है, पाई होता है, और बीच वाला क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। बात समझ में आ रही है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। अब देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंजीन आपका इस तरीके से होता है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, ये कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, ये सी 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 सी, एक तो यहाँ पे छूट रहा है, तो बेंजीन का फॉर्मूला ये होता है ना, C6H6। यहाँ हाइड्रोजन से जुड़े हैं H
एच एच, ठीक है, छः कार्बन छः हाइड्रोजन, एक दो तीन चार पाँच छः। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, सिंगल बॉन्ड कितना है, तो हमारा क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा, तो छः तो ऐसे हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः। अब देखो यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड है ना, दो दो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा एक पाई होगा, तो एक एक यहाँ पे हो गया, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो बारह तो आपका हो गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब जहाँ पे डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड तो कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो मतलब एक पाई बॉन्ड यहाँ पे होगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है ना, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे होगा, मतलब पाई बॉन्ड क्या है, तीन है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, बारह है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बारह और तीन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले सकता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, आइसोटोप का मतलब क्या हुआ, समस्थानिक, ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर आपका सेम हो, एटॉमिक मास अलग अलग हो, तो क्या होता है आपका आइसोटोप होता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब क्या है कि प्रोटॉन की संख्या सेम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दूध उदाहरण है, तो दूध इमल्शन का उदाहरण है, इमल्शन क्या होता है, कोलाइड होता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एल्कोहलिक खमीर फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है, तो सही आंसर क्या होगा, इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो सही आंसर क्या होगा, जाइमेज के द्वारा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो सही आंसर क्या होगा, इथाइल एल्कोहल C2H5OH, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अपमार्जक क्या है, तो सही आंसर क्या होगा, ये आपका है शोधन अभिकर्ता, ठीक है, डिटर्जेंट क्या होता है, शोधन अभिकर्ता, ठीक है, तो ये आपको मान लो कि ऑप्शन सी यहाँ पे है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वनस्पति तेल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पीतल में कौन सी धातुएं होती है, तो सही आंसर होगा तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, तो बेसिक और एम्फोटेरिक, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो अल्फा बीटा गामा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह क्या है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है ना, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 78.09%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है, तो एलिथ्रीन होता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, एलिथ्रीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, सही आंसर क्या होगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हास्य गैस क्या है, तो नाइट्रोस ऑक्साइड को बोलते हैं हास्य गैस, लाफिंग गैस, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी नाइट्रोस ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, सूची वन को सूची टू से मैच करना है। अच्छा देखो, जो स्किन कैंसर होता है ना, किसकी वजह से होता है, पराबैंगनी प्रकाश की वजह से होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से, तो एक आपका हो जाएगा टू, ठीक है, एक आपका क्या हो जाएगा, एक का टू हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण, इसको डेसिबल में मेजर करते हैं, ठीक है,
तो बी का आपका हो जाएगा थ्री, बी का आपका हो जाएगा थ्री। वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो सी का आपका हो जाएगा फोर। ओजोन होल ये आपका होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, तो डी का पहला, डी का पहला, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक एग्री को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाएगा आपको, जनवरी से लेके अगस्त 2023 तक का फ्री ऑफ कॉस्ट, और करंट अफेयर का क्विज भी मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।